हज़रत बाजीज बस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े मैंने कहा अम्मी मैं तुझे राज़ी करूँ या रब को राजी करूँ तू अपने हक़ मुझे माफ़ कर दे अल्लाह को मैं राजी कर लेता हूँ माँ ने कहा जाओ पुत्र मैं इजाज़त देती हूँ गए जंगलों में ज़िक्र फ़िक्र में लगे रहे तन्हाई में उसको याद करते रहे दिन रात जिक्र के चराग रोशन रखे बारह साल गुजर गए हक़ की तलाश में एक दिन वापस मुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं दरवाजे को दस्तक देने लगे तो इस खयाल ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया कोई नहीं अब दुख भी क्यों देने लगे हो रात का एक पहर बीत गया है सर्दियों की लंबी रात है माँ बिस्तर में लेटी होगी तेरे लिए उठेगी दरवाज़ा खोलेगी दरवाजे के साथ ही लग के बैठ गए और सारी रात काट दी इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ ना हो जब शहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया समझ गए मेरी माँ तोहजद के लिए उठी है और वजू का पानी है तो फौरन दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से आवाज आई बेटा बाजीद में अभी आई माए बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं यह किस बेटे के हाथों का लमस है बारह साल के बाद आए थे दस्तक दी कहा बेटा मैं अभी आई माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं अल्लाह अकबर कहते हैं कि माँ ने दरवाजा खोला बारह साल जंगलों की खाक छानते बीत गई थी परा गंदा सूरत बिखरे हुए बाल फटे हुए कपड़े मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो उसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था तूने अभी तक इसे अपना कुरब नहीं दिया हजरत बा बुस्तामी कहते हैं बारह साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूं तू कहाँ मौजूद है तो माँ बाप की रजा अल्लाह की रजा का दरवाजा खोलती है जिन लोगों के माँ बाप नाराज हैं और वो जाके पीर साहब की खिदमत करते हैं और मियाँ मां के कदम चूमो बाप की टांगें दबाओ उनकी खिदमत करो तुम्हारे पहले मुर्शद वो हैं उनको राजी करो फिर किसी शेख कामिल की सोबत में आना देखो कैसे दिल की बंद खिड़कियां खुलती हैं एक मर्शद तो नाराज कराए और दूसरे मर्शद से तुम्हें क्या मिलेगा तो रास्ता यहीं से खुलेगा वालदेन को कभी नाराज ना करो वालदेन को कभी दुख ना दो वालदेन को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ और वालदेन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को अपना नाफरमान ना बनाए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बराबर तीस साल हो गए हैं कि मैं अपनी औलाद को कोई हुक्म ही नहीं दिया कोई हुक्म नहीं दिया कोई चीज मुझे चाहिए भी होती है तो मैं बसीगा अमर नहीं कहता बल्कि ऐसे ही बात कर रही है पानी चाहिए तो ये नहीं कहता बेटा पानी लेकर आओ मैं वैसे कहता हूँ प्यास लगी हुई है तो अगर वह समझ जाए और वो खुद ले आए तो अच्छी बात है लेकिन अगर वह ना लाए तो मैंने उसको हुक्म ही नहीं दिया अमर ही नहीं किया तो उस अमर की मुखालफत ही लाजम नहीं आएगी तो कहा तीस साल बराबर गुजर गए हैं मैंने अपनी औलाद को हुक्म नहीं दिया कहीं वो मेरी ना फरमान ना हो जाए क्योंकि अगर वो ना फरमान हो गई पल्ले कुछ नहीं रहेगा जो औलादे माँ बाप की नाफरमान होती है वो हवा में भी उड़े वो चरख पे भी झूले वो जमीन पे गिरने वाली होती हैं कभी कामयाब नहीं हो सकती वो औलादें जो माँ बाप की गुस्ताख बेअदब और नाफरमान होती वही औलादें सरखरू कामयाब और कामगार और बाराज होती हैं जो माँ बाप की खिदमत करती हैं माँ बाप की दुआएं लेती हैं वो एक बच्चा माँ बाप के पाँव दबा रहा था तो एक बच्चा एक बर्रजम में दूसरा दूसरे बर्रजम में तीसरा तीसरे बर्रजम में बड़े बड़े कारोबार कर रहा था तो कोई उसका दोस्त मिलने आया उसने कहा कि इस निकम्बे को भी कहीं भेज दो फला जो है वो यूरोप में है फलाँ अमरीका में है वहाँ इतनी बड़ी कंपनी उसने खोली हुई है इस नकम्मे को यहाँ बिठाया इसको भेज दो ये तो नकम्मा किसी काम का नहीं कहा यह नकम्मा तो मेरे काम आ रहा है कि नकम्मा तो मेरे काम आ रहा है तो औलाद खुश नसीब है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनके साथ उसने सलूक करे